खबर सिवनी से है, जहां भूकंप के झटके से लोग दहशत में हैं। जिले में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता दर्ज की गई है और ये अब तक का सबसे तेज भूकंप का झटका है। सीसीटीवी कैमरे में कंपन की तस्वीरें कैद हुई है। जमीन के 5 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा और लोग डर में, घबराहट में अपने घरों से बाहर निकल आए। पिछले 4 महीने से लगातार यहाँ पर भूकंप के झटके आ रहे हैं। भूकंप से कई मकानों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। दहशत में लोग यहाँ पर हैं और जनप्रतिनिधि भी लोगों से मिलने पहुंचे हैं। भूकंप की जांच के लिए दिल्ली से टीम आई हुई है। दिल्ली से आई टीम भूकंप की जांच में जुटी हुई है। चलो, तो किस तरह से तेज भूकंप के झटके, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि लोग इसके बाद दहशत में आ गए। तो अब इस पूरे मामले में दिल्ली से टीम पहुंची हुई है और जिस तरह से लगातार यहां पर बताया जा रहा है कि कई बार इस तरह की घटना यहां पर हो चुकी है। अब इस पूरे मामले की जांच दिल्ली से जो टीम पहुंची है वो करेगी। तो सिवनी में अब तक के सबसे तेज भूकंप के झटके से धरती पूरी तरह से कांप गई। रिक्टर पैमाने पर 4.7 इसकी तीव्रता दर्ज की गई है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैमरे में, कंपन की जो तस्वीरें हैं वो कैद हुई है। डर और दहशत में लोग यहां पर हैं, घरों से बाहर निकल आए। देर रात जिले में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देर रात जिले में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.7 इसकी तीव्रता मापी गई है। अब तक का सबसे तेज भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में कंपन की तस्वीरें कैद हुई हैं। जमीन के 5 किलोमीटर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा। घबराहट में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पिछले 4 महीने में लगातार से यहां पर भूकंप के झटके लोग महसूस कर रहे हैं। भूकंप से कई मकानों की दीवारों पर दरारें आ गई, दहशत में लोग आ गए और आपको बता दें कि यहां जनप्रतिनिधि भी लोगों से मिलने पहुंचे हैं और इसके साथ ही भूकंप की जांच के लिए दिल्ली से एक टीम पहुंची है। दिल्ली से आई टीम भूकंप के जांच में अब जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कैमरे में कंपन की तस्वीरें कैद हुई और निश्चित रूप से इस कंपन के बाद लोगों में डर का माहौल यहां पर देखा गया। लोग पूरी तरह से डर गए, घरों से बाहर निकल आए और भूकंप के इस झटके से धरती पूरी तरह से कांप गई।